बहुत ही एमिकेबल माहौल में मीटिंगें चल रही हैं। मेजॉरिटी सीट्स पे कंसेंसस है, एक बड़ी पॉजिटिव वेव है हमारी मीटिंग्स में, तो कांग्रेस विल विन, ऑल इज वेल। 117 सीट्स के ऊपर डिस्कशन किया है और बहुत बड़ी संख्या में टीचर सीट्स के ऊपर आम सहमति बन गई है, बहुत बड़ी संख्या के अंदर, और हम लोगों को उम्मीद है हम लोग जो हैं बहुत जल्द सीसी और एक स्क्रीनिंग कमेटी और उसके साथ में सीसी में हम चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा बहुत सारी सीट्स के ऊपर आम सहमति बन गई है और हम लोग बहुत सब लोग संतुष्ट हैं कि इतनी सारी सीट्स पे सहमति बन गई। हम लोगों की जो है क्राइटेरिया विनेबिलिटी है और अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट देना है और ये हम लोगों का क्राइटेरिया है और अच्छे कैंडिडेट्स विनेबिलिटी इसके आधार के ऊपर एक एक सीट के ऊपर जितने एप्लीकेंट्स हैं सबको हम लोगों ने स्क्रूटनाइज किया है और बहुत सारी सीट्स के ऊपर आम सहमति बन गई। हम लोग चाहते हैं कि यूथ कांग्रेस से भी लोग जो हैं वो लोगों को भी और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से भी लोग हैं उनको भी हम करते हैं। दोनों लीडर साहब आने का है, ऑल इज वेल, आई थिंक दैट सम्स इट अप ऑल, तो सब बेहतरी है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं 117 सीटों में कितनी सीटों में कांग्रेस पार्टी ने नाम तय कर लिया जिसपे कोई दो राय नहीं है, कोई किसी भी सीट पे कोई नाम तय नहीं हुआ। तय करने का अख्तियार सीईसी के पास है, यहाँ से रिकमेंडेशन जो है स्क्रीनिंग कमेटी की वो सीईसी के पास जाएंगी, किसका तय होना है किसको नहीं तय होना वो फैसला सीईसी करेगी। पंजाब कांग्रेस के जो बड़े नेता स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं जिसमें आप भी शामिल हैं, क्या स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में किसी भी सीट को लेकर किसी भी नाम को लेकर कोई आपसी में दो राय नहीं है? देखिए, दो राय तो हर एक विषय पर दो राय होती हैं, पर सारी बातों का बैठ के कोई ना कोई समाधान भी निकलता है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर आपस में सहमति है और जहाँ कहीं भी किसी किस्म के एक से ज़्यादा विचार हैं तो उनके ऊपर उस पर छानबीन हो रही। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ये फैसला हुआ है कि अगले 15 दिन कोई रैली जनसभा नहीं होगी, क्या पंजाब को लेकर कोई फैसला किया आप लोगों ने? देखिए, पंजाब के अंदर भी जिस किस्म के हालात बन रहे हैं उनके हालात को देख के इसका निर्णय लिया जाएगा, परंतु अभी सहमति यही है कि किसी भी रैली की वजह से किसी की जान जोखिम में डालने के लिए कांग्रेस का कभी भी ऐसी सोच नहीं है, तो इनसे बचाई जाए, परंतु जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होगी उसको देख के फैसला लिया जाएगा।